नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2 मई के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल का सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सवाल था कि हाल ही में उड़ीसा में किस चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। तो उड़ीसा में फानी नाम के चक्रवाती तूफान के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये था कल का सवाल जिसका जवाब आप सभी ने दिया था। तो दोस्तों, इसी तरह पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए, और अंत में जो सवाल हम आपसे पूछते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर दिया करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, फेसबुक और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ जाएगा। हम यहाँ पर रोजाना महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और क्लास से जुड़े नोट्स, PDF और अन्य तरह के वीडियोस आपको इंस्टा मोज पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जाके उसे परचेस कर सकते हैं। पिछले माह का जो करेंट अफेयर का PDF है, कंप्लीट PDF, 1 से लेकर 30 अप्रैल तक के जो PDF है, वो मैंने इंस्टा मोजो पर अपलोड कर दिया है। सिर्फ 10 रुपये में आप उसे खरीद सकते हैं। तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि आप रेगुलर सुबह उठने की आदत डालिए, और रोज़ करेंट अफेयर का वीडियो मिस नहीं करना है। आपको डेली इसे देखना ही देखना है, और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बिल्कुल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कि हाल ही में भारत फ्रांस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 19.1 का आयोजन किस स्थान पर हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो अभ्यास होता है वरुण, ये किस किस देश के बीच होता है। तो ये जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 19.1, 19 का मतलब 2019 का अभ्यास है, 0.1 मतलब ये इसका पहला संस्करण है। 2 संस्करण में ये आयोजित किया जाता है। इसके पहले संस्करण अर्थात 19.1 का आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा के तट पर किया गया। तो इसका सही जवाब क्या है, गोवा, ठीक है। और ये जो अभ्यास जो है, मैंने बताया कि 2 चरण में आयोजित किया जाएगा। 19.1 का शुभारंभ तो गोवा के तट में हो गया, लेकिन 0.2 ये मई के अंत में जिबूती में आयोजित किया जाएगा। इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1983 से कर दी गई है, लेकिन इसका जो नाम है पर्टिकुलर वरुण नाम कब दिया गया है, 2001 में इसका नामकरण वरुण किया गया। ये जो है रणनीतिक साझेदारी के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत और फ्रांस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मैप में देखते हैं सबसे पहले आप फ्रांस कहाँ पर, तो वर्ल्ड के मैप में देखिए, उसके बाद यहाँ पर पूरा फ्रांस का मैप आपको दिखेगा। इसकी राजधानी क्या है, पेरिस, और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। पेरिस में फेमस क्या है, एफिल टावर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, और इसे और विभिन्न तरह के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, जैसे विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। दुनिया के 80 देशों में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1886 ये है 1886 से कर दी गई है। अब इसका कारण क्या था, इस दिन अमेरिका के मजदूर यूनियन ने काम करने का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने की हड़ताल की थी। पहले क्या होता था, मजदूरों को बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, सोने भी नहीं दिया जाता था, 20 से 24 घंटे काम कराए जाते थे। तो इसके चक्कर में मजदूर ने हड़ताल किया था, और ये मिनिमम सेट किया गया था कि आप मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। तो इस कारण 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इस तरह की घटना भारत में भी हुई थी। भारत में भी लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी, लेकिन इसे मद्रास दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का विषय वस्तु थीम आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मजदूर वर्ग एक हो। अब मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो श्रमिक मुद्दों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए कार्य के अवसरों के लिए कार्य करती है, मतलब मजदूरों के लिए कार्य करती है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। यह 1919 में लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी के रूप में स्थापित की गई थी,
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न, कि हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने की योजना बनाई है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता को ये राजधानी परिवर्तित करके कहीं और शिफ्ट करने की सोच रहा है इंडोनेशिया, ठीक है? और इसके कारण क्या है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा देश की राजधानी परिवर्तन पर विचार किया गया है। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में देश के सर्वाधिक आबादी वाले द्वीप जावा से अपनी राजधानी को बाहर ले जाने की योजना बनाई है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्निया द्वीप स्थित पलानकोराया हो सकती है। ये अभी फिक्स नहीं है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यही इसकी राजधानी हो सकती है। राजधानी बदलने का कारण क्या था? राजधानी बदलने का मुख्य कारण जकार्ता की जनसंख्या बढ़ना है। अब जनसंख्या बढ़ता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक बढ़ता है, वहाँ के जो संसाधन है उसमें कमी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस शहर का सबसे बड़ा हिस्सा 2050 तक डूब भी सकता है, और जकार्ता में ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये जो सारे प्रॉब्लम है जिसके कारण इंडोनेशिया अपनी राजधानी परिवर्तित करने के बारे में सोच रहा है। इंडोनेशिया मैप में देख लीजिए, वर्ल्ड के मैप में देखिए, इंडिया के नीचे यहाँ पर है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा प्रश्न, कि हाल ही में वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश से सबसे ज़्यादा तेल मंगवाया है? तो भारत ने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इराक से मंगाया है, ठीक है, एक तिहाई से भी ज़्यादा। हाल ही में वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक इराक ने भारत को 46.61 मिलियन टन कच्चा तेल बेचा है। इराक लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता बना है। तो अभी इराक हो गया है 2017 और 18, 2 साल, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब सबसे बड़ा मतलब वो था, आपूर्ति करता था, जहाँ से हम तेल मंगाते थे। इस दौरान देश में तेल के एक तिहाई से अधिक हिस्सा इराक से ही आया है। भारत ने 2018-19 में कुल 207.3 मिलियन टन कच्चे तेल का आयात किया था। इराक के बारे में डिस्कस करते हैं, मैप में देख लीजिए इराक कहाँ पर है, ये रहा वर्ल्ड मैप में इराक। और इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। मुद्रा है इराकी दिनार। राष्ट्रपति कौन है? बरहम सालिह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा प्रश्न, कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने समिति का गठन किया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई समिति का गठन किया है, ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जा सके। ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा गठित किया गया है? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इस समिति का उद्देश्य 2024 तक 102 शहरों में 20% से 30% कणिका तत्व अर्थात पीएम प्रदूषण को कम करना है। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। इस नए समिति की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करेंगे। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न, कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश का विकास अनुमान कितना रखा है? तो पहले इसने रखा था 7.5%, 0.2% घटाकर 7.3% इन्होंने कर दिया है। देश का जो विकास अनुमान दर है 7.3% इन्होंने किया है, तो ये भी याद रखिएगा कि कितना प्रतिशत की कमी की गई है, ठीक है। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ए फिच ग्रुप ऑफ कंपनी है ये, इन्होंने 2019-20 के लिए देश के विकास दर का अनुमान 7.3% रखा है। पहले यह 7.5% संभावित थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें 0.2% की कमी की गई। तो कमी करने के कारण भी हैं, क्या क्या कारण है? पहला तो 2019 के लिए सामान्य से कम मानसून की भविष्यवाणी की गई है, और औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की गति में कमी से विकास को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है।
साथ ही बैंकिंग क्षेत्र की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान सही समय पर नहीं हो पा रहा है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मतलब अगर बैंक किसी को लोन देता है, पैसा देता है, लेकिन वापस नहीं ले पाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस लेना, या तो नामुमकिन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ। ठीक है, जैसे कि नीरव मोदी लेकर पैसा भाग गया, अब वो वापस नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसे गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां प्रश्न कि हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यालय में विशेष ड्यूटी अधिकारों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप कुमार। ठीक है, ये हीरो वाला दिलीप कुमार नहीं है, जो एक्टर दिलीप कुमार है वो नहीं है, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, दिलीप कुमार जो हैं आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार को लोकपाल के कार्यालय में विशेष ड्यूटी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार के आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। जब तक परमानेंट कोई बंदा इसके लिए ना मिल जाए, तब तक ये संभालेंगे, इनका कार्यभार जो है यही देखेंगे। वे वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव हैं। अब जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के अध्यक्ष, भारत के पहले लोकपाल ये हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया है? तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019 के लिए किसे नामित किया गया है? रहीम स्टर्लिंग। और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूलतः इंग्लैंड के निवासी ये हैं। रहीम स्टर्लिंग प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने 400 सदस्यों में से रहीम स्टर्लिंग को 62% वोट मिले थे। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ब्रिटिश फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है, और यह पुरस्कार 1948 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, मतलब ये हर साल दिया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न कि हाल में वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना का उप प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान में आप रखिएगा, इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं। उन्होंने एयर मार्शल अनिल खोसला की जगह लिया है। राकेश कुमार ने 1 मई को अपना कार्यभार संभाला है। वायुसेना के वाइस चीफ भारतीय वायुसेना में दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है। आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। आखिरी प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फिलीपींस की कंपनी स्प्लैश का अधिग्रहण किया है? तो फिलीपींस की कंपनी स्प्लैश का अधिग्रहण किसने किया है? विप्रो ने किया है। हाल ही में विप्रो कंज्यूमर केयर ने फिलीपींस की पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया है। और ये जो स्प्लैश कॉरपोरेशन है वो फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। स्प्लैश ने 2018 में 80 मिलियन डॉलर का राजस्व भी दर्ज किया गया था। तो ये कंपनी को किसने खरीदा है? विप्रो ने खरीदा है, ध्यान में रखिएगा। फिलीपींस के बारे में हम मैप में देखेंगे। मैप में सबसे पहले देखिए फिलीपींस कहाँ पर है, उसके बाद आप देखिए कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है मनीला, और इसकी जो मुद्रा है वो है फिलिपिन पेसो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है मनीला। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम देखेंगे। हाल ही में भारत के स्टार गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने वार्षिक इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर वस्तु व सेवा कर पर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है, मतलब जीएसटी पर जागरूकता कार्य लॉन्च किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 24 घंटे में सर्वाधिक झंडे फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने 29 अप्रैल को भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसके जवाब टाइप करके जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।